हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम छोले मटर बनाएंगे। छोले मटर बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 इमली लेंगे। हमें इमली को पानी में भिगोकर रखना है। इमली को पानी में अच्छे से डुबा देंगे और 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम 1 कप सफेद मटर लेंगे। हमने पहले ही मटर को पानी से धोकर और 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। देखिए, कुछ ऐसे फूल जाएंगे। अब हम कुकर लेंगे और कुकर में मटर को डाल देंगे। अब हम इसमें करीब 1 कप पानी डालेंगे। हमें पानी की क्वांटिटी मटर से थोड़ी ज्यादा ही रखनी है, जिससे मटर पानी में अच्छे से डूब जाए। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच सोडा डालेंगे। अब कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे। और 3 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। आ चुकी है, अब गैस बंद कर देंगे। हमने जो इमली पानी में भिगोकर रखी थी, अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए, इमली सॉफ्ट हो चुकी है और इसका सारा रस पानी में निकल गया है। अब हम इमली को मसलते हुए इसका सारा पल्प पानी में निकाल लेंगे। देखिए, इमली का सारा पल्प निकल चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। ध्यान रहे, हमें लोहे की छलनी ही लेनी है, प्लास्टिक की छलनी नहीं लेनी है। इस तरीके से मसलते हुए हम इसका सारा पानी अलग निकाल लेंगे। देखिए, इमली का पानी निकल गया है। अब हम मटर को देख लेंगे। देखिए, मटर अच्छे से उबल चुके हैं। अब हम सारे मटर को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम इमली का पानी डालेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच हरे धनिया की चटनी चम्मच घिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला,
एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच पीली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच काला नमक, एक कटा हुआ प्याज, एक घिसा हुआ गाजर। हमने गाजर को लंबा घिसा है। और दो कटे हुए टमाटर डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। लाते समय इसमें खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हमें इसे बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, हम इसे हल्के हाथों से ही मिलाएंगे। अब इसमें आधा नींबू डालेंगे। और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी को मिला लेंगे। छोले बटर बनकर तैयार है। ये कुलचे के साथ खाए जाते हैं। ये एकदम ठेले जैसे छोले कुलचे बने हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। आपकी फैमिली को काफी पसंद आएंगे। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।